क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। इंग्लैंड के धाकड़ ऑलराउंडर और अकेले दम पर अपने देश को वर्ल्ड कप जिताने वाले बेन स्टोक्स की किताब पर जबरदस्त बवाल हुआ था, क्योंकि बेन स्टोक्स ने भारत के तीन स्टार खिलाड़ियों पर सवाल उठा दिए थे और कह दिया था कि रोहित, विराट और धोनी जानबूझकर इंग्लैंड के खिलाफ मैच हार गए थे। अब बेन स्टोक्स के बयान के बाद पाकिस्तानी भी इसमें कूद गया और भारत के खिलाफ बोलने लगा, तो फिर तो बवाल हो गया और हालत ये हो गई कि अब बेन स्टोक्स भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। यही नहीं, धोनी, विराट और रोहित को भगवान तक कह दिया। तो आपको बताते हैं पूरा मामला, आप भी इसे लेकर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें और वीडियो को शेयर भी करें। तो बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में लिखा था कि वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और भारत के लीग मैच में भारत जानबूझकर हारा था। रोहित, विराट और धोनी ने जीत की कोशिश ही नहीं की और अब बेन स्टोक्स का बयान आया तो पाकिस्तान में हलचल मच गई, क्योंकि भारत के इंग्लैंड से हारने के बाद ही पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था और तब भी कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने कहा था कि भारत जानबूझकर इंग्लैंड से हारा है क्योंकि पाकिस्तान को बाहर किया जाए। और अब बेन स्टोक्स की किताब आई तो पाकिस्तान में एक बार फिर माहौल गर्म हो गया और फिर से पाकिस्तानी सिकंदर बख्त कहने लगा कि मैंने तो पहले ही भारत पर एक खुलासा किया था और अब बेन स्टोक्स ने ये बात कही है। लेकिन अब भारत के खिलाफ ज्यादा माहौल बना तो बेन स्टोक्स फिर से सामने आए और पाकिस्तानियों को बुरी तरह धो दिया। बेन स्टोक्स ने कहा कि मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि भारत जानबूझकर वो मैच हारा था, बल्कि मैंने ये कहा था कि भारत मैच को जीत सकता था, लेकिन भारत ने जीत के बजाय नेट रन रेट को ज्यादा तवज्जो दी। बेन स्टोक्स ने कहा कि पाकिस्तान में हमेशा ही ऐसा होता है जब बात को घुमा फिराकर बता दिया जाता है, जो कि सच नहीं है, और ये लोग मेरा नाम लेकर झूठ बोल रहे हैं। यानी बेन स्टोक्स ने तो यहाँ तक कहा कि विराट, धोनी और रोहित का दर्जा भारत में भगवान के जैसा है और वो लोग अपने देश के लिए गलत नहीं कर सकते, बल्कि पाकिस्तान के लोग इसे प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। अब बेन स्टोक्स ने भारत के पक्ष में बयान दिया या फिर पाकिस्तान को उसकी औकात बताई, जो भी हो, लेकिन इतना साफ है कि बेन स्टोक्स भारत की मजबूती के आगे ढेर हो गए और एक तरह से भारत के सामने गिड़गिड़ाने ही लगे। तो आपका बेन स्टोक्स के खुलासे और फिर पाकिस्तान के इसमें कूद जाने और फिर बेन स्टोक्स के भारत को महान कहने पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।